हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसी एंट्रीज बता रहा हूँ जो पार्टनरशिप के हर चैप्टर में रिलेवेंट है ठीक है और ये एंट्री हमारे री वैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज हैं सारी जब हम री अकाउंट बनाते हैं हम किसी भी चैप्टर में बना रहे हैं जैसे एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन पी एस आर ठीक है डेथ ऑफ अ पार्टनर हम किसी भी चैप्टर में जब हम रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग आती है तो जब लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट आती है तो हमें उस लैंग्वेज को कैसे समझना है हम इस एंट्रीज के जो एग्जाम्पल्स से इससे समझेंगे कि हमें लैंग्वेज को कैसे हैंडल करना है ठीक है so, सो सबसे पहला देखो एग्जाम्पल है हमारे सामने स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय रुपीज वन जीरो फाइव फाइव बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है स्टॉक की टू वन जीरो फाइव फाइव यहाँ पे लिखा है स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय बाय माने हमें स्टॉक को इस अमाउंट तो से कम करना है कितने अमाउंट से कम करना है रिटर्न डाउन करना है वन जीरो फाइव फाइव से रिटर्न डाउन करना है तो अभी हमारे पास वैल्यू कितनी है टू वन जीरो फाइव फाइव ठीक है और हमें इसको रिटर्न डाउन करना है कितने अमाउंट से वन जीरो फाइव फाइव से तो हमारा स्टॉक कितना हो जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा स्टॉक हो जाएगा वो बीस हजार रुपये हो जाएगा तो हमें स्टॉक की वैल्यू को इतने अमाउंट से कम करना है अच्छा स्टॉक हमारा एसेट है हम उसको क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट वॉट गोज आउट एसेट जा रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो टू स्टॉक अकाउंट ठीक है और स्टॉक के जाने से हमें लॉस हो रहा है हम रीवेल्यूशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है हम उसको डेबिट कर देंगे रीवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट है ठीक सो वन जीरो फाइव फाइव से हम लोग उसको डेबिट कर देंगे और वन जीरो फाइव फाइव से स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे तो यहाँ पे जो देखने वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो बाय लिखा है ठीक है, है कितना अमाउंट से इंक्रीज करनी ग्यारह हजार से इंक्रीज करनी है अभी बैलेंस शीट वैल्यू कितनी एटी नाइन थाउजेंड तो देखो हम अगर एटी नाइन थाउजेंड हमारी प्रेजेंट वैल्यू है बैलेंस शीट में और अगर उसमें ग्यारह हजार एड कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी नाइनटी और वन लैख लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू हो जाएगी वन लैख लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है इंक्रीज करना है इंक्रीज करना, करना है तो डेबिट करना पड़ेगा डेबिट वॉट कम्स इन ठीक है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये एंट्री करनी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हमें प्रॉफिट हो रहा है तो गेन हो रहा है वैल्यू बढ़ने की वजह से तो गेन को क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन के नाम से तो टू तो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट थाउजेंड दिस इज गेन बेसिकली हो गया हमारा सेकेंड केस अब थर्ड केस देखते हैं देखो मशीनरी बी रिड्यूज टू ये अलग केस आ गया हमारे पास मशीनरी को रिड्यूस करना है कहा तक थर्टी फोर थाउजेंड तक ठीक है मतलब मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करना है थर्टी फोर तक उसको लेके जाना है थर्टी फोर थाउजेंड तक देखो अभी हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या है वन लैख फोर थाउजेंड और उसको कहाँ तक लेके जाना है थर्टी फोर थाउजेंड तक लेके जाना है तो हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा सेवेंटी थाउजेंड मशीन की वैल्यू को रिड्यूस करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ मशीनरी बी रिड्यूस टू टू मैंने कहाँ तक थर्टी फोर थाउजेंड तक सो वी विल रिड्यूस लॉस हो रहा है हमें बहुत बड़ा सेवेंटी थाउजेंड का लॉस है डेबिट कर देंगे मशीन की वैल्यू कम होने की वजह से लॉस हो रहा है एसेट जा रहा है हमारा क्रेडिट वार्ड गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट सेवेंटी थाउजेंड मशीन की वैल्यू को कम कर देंगे बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ डेटर्स इज सिक्सटीन थाउजेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट हंड्रेड तो हमें क्या बोला है हमें प्रोविजन बनाना है टेन परसेंट ठीक है तो हमें सोलह हजार का टेन परसेंट प्रोविजन बनाना है दैट इज वी हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ वी आर ऑलरेडी हैविंग द प्रोविजन एट हंड्रेड तो अभी हमें नया प्रोविजन और कितना बनाना है एट हंड्रेड रुपीज का बनाना है ठीक तो है तो देखो सिंपल है रिवेल्यूशन डेबिट करेंगे क्योंकि प्रोविजन से एक लाइब्रेटी बढ़ रही है हमारा लॉस है ठीक है तो रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो एंटीसिपेटेड लॉस है उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं

तो so, 16000 का पहले हम लोग क्या करते हैं 2% निकाल लेते हैं तो इट कम्स टू 16000 2% दैट इज ₹320 ठीक है नया प्रोविजन चाहिए हमें ₹320 रुपीज। और ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन कितना बना हुआ है देखो 800 का प्रोविजन बना हुआ है तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे प्रोविजन रिड्यूस करना हमारे पास एक्स्ट्रा बना हुआ है प्रोविजन तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे पहले हमने प्रोविजन को क्रेडिट किया था अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 800 माइनस 320 दैट इज 480 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है तो हम 480 डेबिट कर देंगे प्रोविजन को कम कर देंगे यहाँ पे हमने प्रोविजन कम किया है और ऊपर हमने प्रोविजन को बढ़ाया यहां पे प्रोविजन कम किया अब देखो नेक्स्ट सन्डरी क्रेडिटर्स ऑफ सेवन हंड्रेड बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल हमें सन्डरी क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना हो सकता है जिस क्रेडिटर को हमें पैसा देना हो वो शेयर छोड़ के चला गया अब हम किसको पैसा देंगे तो हमारे लिए फायदा है क्योंकि हमें उसे पैसा नहीं देना है या हो सकता है सन्डरी क्रेडिटर्स से हमने डिस्काउंट ले लिया हो उसने बोला ठीक है सेवन हंड्रेड रुपीज़ आप कम देना तो हमारे लिए फ़ायदा है फ़ायदा मैंने सन्डरी क्रेडिटर्स हमारी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी को पहले डेबिट कर दो क्योंकि लाइब्रेरी कम हो रही है लाइब्रेरी की रेंज क्रेडिट होती है अगर यहाँ कम हो रही है तो उसको डेबिट करना है हमें तो सनरी क्रेटर्स अकाउंट डेबिट और हमारा फायदा है तो रीवैल्युएशन के नाम से क्रेडिट कर दो टू रीवेल्युएशन अकाउंट हमने लाइब्रेरी को कम कर दिया सेवन हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड चलो नेक्स्ट देखते हैं टेन थाउजेंड टू बी रिकॉर्डेड यहाँ पे हमारी मशीनरी जो अनरिकॉर्डेड है हमें उसको रिकॉर्ड करना है तो मशीनरी हमारा एसेट डेबिट हो रहा है। हम एंट्री करेंगे मशीनरी मशीनरी अकाउंट डेबिट डेबिट को किया टू फ़ायदा क्रिएट हो रहा है तो रीवैल्यूशन के नाम से क्रिएट कर देंगे उस बेनिफिट को दैट इज टेन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड इस केस में मशीनरी को हमने रिकॉर्ड किया है हमने बेचा नहीं हमने रिकॉर्ड किया हमारी बुक्स में लेके आए हम उसको तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन

Now, an value paas ek thi. की बुक्स में क्या है जीरो कुछ भी नहीं है और हमने उस मशीन को बेच दिया मशीन पड़ी थी हमारे पास हमने एट थाउजेंड में बेच दिया तो एट थाउजेंड हमारा प्रॉफिट है सीधा क्योंकि मशीन की वैल्यू जीरो है हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फायदा हो रहा है हमारा सीधा बैंक डेबिट टू रिवेलुएशन एट थाउजेंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर टेन थाउजेंड विल बी टेकन इनटू अकाउंट एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर तो है जिसको हमने पहले रिकॉर्ड करना भूल गए थे मान लो हमने गुड्स परचेज किया था उधार पे क्रेडिट पे तो हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर देंगे एंट्री करेंगे रीवेल्युएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर हमारा लाइब्रिटी है तो उसको क्रेडिट कर देंगे तो टू क्रेडिटर लाइब्रेटरी गेट्स क्रिएटेड क्रेडिट कर दिया टेन थाउजेंड नेक्स्ट देखो अब इसमें कैलकुलेशन है हमारे पास डेटर फोर्टी फाइव थाउजेंड प्रोविजन हमें दे रखा है फाइव थाउजेंड डेटर ठीक है प्रोविजन ऑफ फाइव परसेंट और डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी में देखो हमारे पास अभी जो डेटर्स हैं वो हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड के ठीक फोर्टी फाइव थाउजेंड में से टू थाउजेंड के डेटर्स को हमें राइट ऑफ करना है वो बैड है तो कितने बचेंगे ठीक है तो पहली जो एंट्री है एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्चुअल में डेटर्स डूब गए लॉस है हमारा तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू को एक्चुअल में कम कर देंगे सो टू डेटर्स अकाउंट टू थाउजेंड एंड ठीक अच्छा ये जो बैड बेडेट्स है ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है फाइव थाउजेंड का ठीक है तो ये जो फाइव थाउजेंड का प्रोविजन बना हुआ है इस प्रोविजन से हम बैड डेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स बैड डेट्स को सेट ऑफ कर दिया बैड डेट्स आर एक्चुअल लॉस इसके लिए हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था सो इट विल बी

फोर्टी थ्री थाउजेंड का डेटर्स है उनपे हमें बनाना है फाइव परसेंट परसेंटी थ्री थाउजेंड काोविजन हमें बनाना है ठीक है अब यहाँ पे हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थ्री थाउजेंड का प्रोविजन बना हुआ है एक्सेस प्रोविजन बना हुआ है उसमें से टू वन फाइव जीरो माइनस करो हमें और उल्टा प्रोविजन को राइट बैक करना है एट फिफ्टी रुपीज से तो हम लोग क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट उसको खत्म कर देंगे प्रोविजन तो प्रोविजन को फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू ऑलरेडी प्रोविजन खत्म करना है टू रिवेल्यूशन री रीवेल्यूशन से हमारा फायदा है ठीक है टू रीवेल्यूशन अकाउंट एट फिफ्टी इससे प्रोविजन हमारा कम होकर अभी हमारे पास थ्री का प्रोविजन बचा हुआ है ठीक है ये कम होके हमारा किस पे आ जाएगा टू वन फाइव जीरो पे आ जाएगा एट फिफ्टी हमने प्रोविजन कम कर दिया सो दिस इज अ वे वी हैव टू डू दिस होल थिंग इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं प्रोविजन फॉर आउट प्रोडक्ट का ओल्ड बैलेंस है ये सारे एडजस्टमेंट है इसमें नो मशीनरी टू बी रिड्यूस टू नाइनटी मशीनरी को कहाँ तक लेके जाना है नाइन्टी तक लेके जाना है मतलब अभी हमारी मशीनरी की वैल्यू है वन लाख ठीक है शीट वैल्यू दे रखी है वन लाख इसको लेके जाना है नाइन्टी परसेंट तक नाइनटी परसेंट मतलब नाइन्टी थाउजेंड तक लेके जाना तो हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा टेन थाउजेंड का रिडक्शन करना पड़ेगा कैसे करेंगे देखो री वैल्युएशन अकाउंट डेबिट री अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ठीक है दैट इज टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड इससे की वैल्यू पहुंच गई नाइन थाउजेंड तक पहुंच गई स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय फाइव परसेंट स्टॉक को कितना कम करना है 5 कम करना है है अभी कितना 5%, 5 है. तो पहले निकाल लेते हैं 5 का दैट टू फिफ्टी से क्स्ट इज अ फर्नीचर परचेज इन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर रुपीज फोर थाउजेंड डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट इज ब्रॉड इन टू बुक्स चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट हमने फर्नीचर खरीदा था वो हमने खरीदा था फोर थाउजेंड में ठीक है हमने क्या किया इस फर्नीचर को एसेट नहीं माना और हमने इसको एक्सपेंस मान लिया ठीक है तो एक्सपेंस मान के पीएनएल में डेबिट कर दिया ठीक तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक तो हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हमने और हमने इसको एसेट भी नहीं माना तो अब क्या करेंगे अब हम फोर थाउजेंड में से देखो डेप्रिशिएट करना है टेन परसेंट तो फोर थाउजेंड में से फोर हंड्रेड डेप्रीशियेट करेंगे अब हमारे पास फर्नीचर बचा है थ्री सिक्स डबल जीरो का ये फर्नीचर हमारे पास बचा है डेप्रीसी चार्ज करना ही पड़ेगा ठीक है टोटल हम फोर थाउजेंड पी में डाल चुके हैं ठीक है उसमें से फोर हंड्रेड छोड़ दो डेप्रिसिएशन के नाम से वो तो वैसे भी पी में डेबिट होना था अब फर्नीचर कितना बुक्स में लाना थ्री सिक्स डबल जीरो तो हम लोग क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं पहले हम फोर डेबिट करें फिर फोर कम करें बट हमने ऑलरेडी फोर डेबिट कर रखे हैं ठीक है तो एक्सपेंस अकाउंट में फोर हंड्रेड डेबिट होने चाहिए उसमें थ्री सिक्स जीरो जीरो रिवर्ट बैक करके फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवेल्यूएशन अकाउंट थ्री सिक्स डबल जीरो एंड थ्री सिक्स डबल जीरो हो गया हमारा फर्नीचर ठीक है नो नेक्स्ट स्टॉक टू बी वैल्यूड एट टू लैक एटीन थाउजेंड बैलेंस शीट वैल्यू टू लैख फोर्टी थाउजेंड सुषमा रिटायरिंग पार्टनर टू द दैट इज टू लैखी थाउजेंड स्टॉक को हमें वैल्यू करना है 2 पे. तो हम लोग टू लैखी थाउजेंड करेंगे पहले हम स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड से री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट री वैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक फर्स्ट एंट्री क्या हमारी स्टॉक को हमने कम कर दिया 22000 से हमारे स्टॉक का 240 22000 कम किया और अब स्टॉक आ गया हमारा 218000 ठीक है अब ये जो स्टॉक कौन ले गया रिटायरिंग पार्टनर मान लो सुषमा तो सुषमा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही है अब हमने पेमेंट की जगह फर्नीचर स्टॉक दे दिया तो सुषमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट किस वैल्यू पे लिखी गई और स्टॉक स्टॉक की वैल्यू कम करी पहले और हमने दे दिया पार्टनर को नेक्स्ट एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ करके जीरो कर दिया था तो आज हमारी बुक्स में कंप्यूटर क्या है जीरो है. हमने उसको बेच दिया. तो उसको बेचने के बाद पैसे आए चार चार हजार रुपए तो सीधा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है टू री वैल्युएशन को क्रेडिट कर देंगे फायदा हमारा फोर थाउजेंड से वे वी आर डूइंग जर्नल एंट्रीज फॉर रीवेल्यूएशन आपके सामने जिस तरह का लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज को समझ के आपको रीवैल्यूशन की एंट्रीज करनी है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट नेक्स्ट another part till then thank you goodbye